वैलेंटाइन डे के सप्ताह आते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक शुरू हो जाती है। वैलेंटाइन डे के सप्ताह सिर्फ प्यार करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि आप किसी के भी प्रति अगर अपने मन में प्रेम रखते हैं, जैसे आपके माता पिता, अध्यापक या दोस्त, तो आप उन्हें भी वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि वैलेंटाइन डे के सप्ताह की शुरुआत रोज डे के साथ होती है। रोज देखकर आप किसी के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रोज डे क्यों मनाया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं रोज डे कब और क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे वीक का सबसे पहला दिन रोज डे होता है। रोज डे हर साल 7 फरवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन को सब अपने चाहने वालों को फूल देकर सेलिब्रेट करते हैं। रोज डे के दिन लगभग पूरी दुनिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा फूल बेचे जाते हैं। गुलाब तो सिर्फ एक जरिया होता है अपने जज्बातों को शेयर करने का। फूल कई सारे रंगों के होते हैं। हर रंग के फूल का अलग ही महत्व होता है। जैसे रेड रोज प्यार का प्रतीक होता है, पीला रोज दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, सफेद रोज शांति और गुलाबी रंग का गुलाब उत्साह का प्रतीक माना जाता है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे रूठा हुआ है तो यह दिन उसे मनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बस एक सुंदर सा फूल ले जाएं और उसे सॉरी बोल दें। आपने देखा होगा कि हर कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले सामने वाले को कुछ उपहार देता है, इसलिए वैलेंटाइन डे वीक नए रिश्ते बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इस दिन आप एक दूसरे को फूल देकर अपने नए रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत कर सकते हैं और एक रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं, क्योंकि यह दिन आपकी फीलिंग के इजहार के लिए बेस्ट माना जाता है। रोज डे के दिन लोगों में फूलों के प्रति एक अलग ही पागलपन नजर आता है। इस दिन से प्यार भरी शुभकामनाओं का दौर शुरू हो जाता है। रात 12 बजे से ही लोग अपने चाहने वालों को प्यार भरे संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। ये थी ऐसा न्यूज की रिपोर्ट।